हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, उसमें कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं जिसके थ्रू क्लासिफिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो इनपुट इमेज जो है सबसे पहले किसके पास जाती है? कन्वोल्यूशनल लेयर्स के पास। ये कन्वोल्यूशनल लेयर किस टाइप से ऑपरेशन परफॉर्म करती है, किस टाइप से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करती है इमेज को, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। कन्वोल्यूशन पहले तो क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या होता है? इट इज़ ए लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ए स्मॉलर फिल्टर टू लार्जर इनपुट दैट रिजल्ट्स इन एन आउटपुट फीचर मैप। कन्वोल्यूशन ऑपरेशन में क्या होता है, एक स्मॉल वेक्टर होता है जो लार्ज इनपुट पे अप्लाई करते हैं। हमारे पास इमेज होती है जो कि लार्ज साइज की होती है, उस पर एक स्मॉल साइज का फिल्टर अप्लाई करते हैं हम, और वो एक आउटपुट जनरेट करता है जिसे कहते हैं फीचर मैप। तो यहाँ पर एक ही फिल्टर नहीं होता है जो इनपुट इमेज पे अप्लाई होता है, यहाँ पर मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं जो इमेज के साथ कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करके फीचर मैप प्रोड्यूस करते हैं। अगर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को हम यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इमेज में से, तो हमें मल्टीपल फिल्टर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर सिंगल फिल्टर नहीं होता इमेज के साथ, हम मल्टीपल पर फिल्टर्स यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जैसे वर्टिकल एजेस को डिटेक्ट करने के लिए अलग फिल्टर यूज़ होगा, हॉरिजॉन्टल एजेस को डिटेक्ट करने के लिए अलग फिल्टर होगा, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग फिल्टर का यूज़ किया जाएगा। तो इस टाइप से मल्टीपल फिल्टर्स को हम अप्लाई करते हैं इनपुट इमेज पे जो कि लॉन्गर लार्जर साइज़ की होती है, और फिर ये फिल्टर्स जो हैं वो मल्टीपल फीचर मैप्स प्रोड्यूस करते हैं। जितने फिल्टर्स आप उस पर अप्लाई करोगे इनपुट इमेज पे, उतने ही फीचर मैप्स प्रोड्यूस करता है ये कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन। तो कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन क्या है? एक लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म करता है स्मॉलर फिल्टर का लार्जर इनपुट पे, जिससे हमें एक आउटपुट में फीचर मैप मिलता है। तो स्टेप वन जो परफॉर्म होता है कन्वोल्यूशनल नेटवर्क में वो होता है कन्वोल्यूशनल लेयर। सबसे पहले जो इनपुट इमेज जाती है वो किसके पास जाती है? कन्वोल्यूशनल लेयर के पास, जहाँ पर कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन जो है परफॉर्म होता है इनपुट इमेज के साथ। तो दिस लेयर परफॉर्म्स एन ऑपरेशन कॉल्ड ए कन्वोल्यूशन, हेंस द नेटवर्क इज कॉल्ड कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। क्योंकि इस लेयर पे जो कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन परफॉर्म होता है इनपुट इमेज के साथ, इसीलिए इस न्यूरल नेटवर्क को कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। इट एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम द इनपुट इमेज, और ये लेयर क्या करती है, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करती है इनपुट इमेज में से। कन्वोल्यूशन इज ए लीनियर ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए सेट ऑफ वेट्स विद द इनपुट। और कन्वोल्यूशन क्या है? एक लीनियर ऑपरेशन है जिसमें हम क्या करेंगे, सेट ऑफ वेट्स का मल्टीप्लाई करेंगे इनपुट के साथ। यानी कि जो फिल्टर होगा उसमें सेट ऑफ वेट्स होंगे, उन सेट ऑफ वेट्स को हम इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लीनियरली, जिसकी वजह से हमें एक टू डायमेंशनल आउटपुट मिलेगा जो कि होगा फीचर मैप। द टेक्निक वॉज डिज़ाइन फॉर टू डायमेंशनल इनपुट। इनिशियली ये जो टेक्निक थी वो टू डायमेंशनल इमेज के लिए, यानी अरे ऑफ डेटा के लिए डिज़ाइन की गई थी। यानी आप इसे जो इनपुट दोगे वो हमेशा टू डायमेंशनल अरे के फॉर्म में, यानी मैट्रिक्स के फॉर्म में दोगे। The multiplication is performed between an array of input data and a two-dimensional array of weights called a filter or kernel. तो यहाँ पर जो multiplication perform होगा, क्योंकि convolution operation में क्या हो रहा है, multiplication perform हो रहा है filters का input image के साथ, जिससे feature map मिल रहा है। ठीक है, filter को हम kernel भी बोलते हैं। तो convolutional operation में क्या होगा, एक multiplication perform होगा array of input data का array of weights के साथ, और ये अरे ऑफ वेट्स को हम क्या कहते हैं, फिल्टर और कर्नल। साइज ऑफ फिल्टर इज स्मॉलर देन द इनपुट डेटा। यहाँ पर जो फिल्टर होगी उसकी साइज जो होगी वो हमेशा लेसर होगी इनपुट डेटा से। यानी जो हम इमेज दे रहे होंगे उसकी जो मैट्रिक्स होगी, अरे ऑफ पिक्सल वैल्यूज होंगी, उसकी वैल्यू लार्ज होगी, उसकी साइज लार्ज होगी एज कम्पेयर टू साइज ऑफ फिल्टर और कर्नल। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होता है कन्वोल्यूशन ऑपरेशन में, पहले हम वो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम ये पॉइंट्स कवर करेंगे। तो यहाँ पर सपोज करो एक 7x7 की इनपुट इमेज है, एक टू डायमेंशनल इमेज है। यानी कि यहाँ पर जो इमेज है वो कलर्ड इमेज नहीं है, वो ग्रे स्केल है। तो यहाँ पर 0 रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट कलर को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक कलर को। तो जो इनपुट इमेज है उसकी, उसको पिक्सल वैल्यूज में कन्वर्ट करके, यानी कि उसकी मैट्रिक्स बना के जीरोज एंड वंस में इनपुट दी जाती है कन्वोल्यूशनल नेटवर्क को।
कन्वोल्यूशनल नेटवर्क में जो फर्स्ट है कन्वोल्यूशनल लेयर, वो क्या करती है, इस इनपुट इमेज के साथ एक फिल्टर का यूज़ करके कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो फिल्टर जो है, सपोज़ हमारा 3x3 का है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फिल्टर या कर्नर की जो साइज़ होगी वो लेसर होती है इनपुट इमेज के। तो इनपुट इमेज की अगर 7x7 है तो हमने यहाँ पर फिल्टर यूज़ किया 3x3 का। जैसे वर्टिकल एज डिटेक्ट कर रहा होगा या हॉरिजेंटल एज डिटेक्ट कर रहा होगा या ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा होगा, ये फिल्टर जो है किसी एक सिंगल फीचर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और इसको अप्लाई करें इनपुट इमेज पे, कि कहीं पर भी वो फीचर अवेलेबल है तो उसको वो उस इन्फॉर्मेशन को वो एक्सट्रैक्ट कर ले। तो यहाँ पर सबसे पहले कन्वोल्यूशन ऑपरेशन में क्या होता है, ये जो फिल्टर है 3x3 का, ये 3x3 पार्ट ऑफ द इमेज पे अप्लाई होगा, 3x3 वैल्यूज़ पे अप्लाई होगा और लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये समझ लो इस फिल्टर को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया और ये वाली वैल्यूज़ का इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के साथ हमें मल्टीप्लाई करके सम करना है। हर फिल्टर की वैल्यू का उसकी करस्पॉन्डिंग इनपुट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसका समेशन होता जाएगा। यहाँ पर सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि 0 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी ज़ीरो मिली हमें वैल्यू। यहाँ भी 0 × 1 हुआ, फिर 1 × 0 हुआ, 0 × 0 हुआ, फिर 1 × 0, 0 × 1 और 0 × 1। तो सारी वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो ये फर्स्ट वैल्यू हमें यहाँ पर ज़ीरो मिल जाएगी। यहाँ पर एक स्ट्राइड टर्म यूज़ कर, स्ट्राइड बताता है, स्ट्राइड इज़ द नंबर ऑफ पिक्सल बाय विच वी स्लाइड अवर फिल्टर मैट्रिक्स ओवर द इनपुट मैट्रिक्स। अब इनपुट मैट्रिक्स पे हमें फ़िल्टर को मूव करना होता है नंबर ऑफ पिक्सल से, तो कितनी नंबर ऑफ पिक्सल से हम फिल्टर को इनपुट मैट्रिक्स पे मूव करवा रहे हैं वो स्ट्राइड होता है। तो सपोज़ हमारा स्ट्राइड इक्वल्स टू 1 है, मतलब हम फिल्टर को 1 पिक्सल एट अ टाइम मूव करवाएंगे। अगर 2 स्ट्राइड होता तो हमें 2 पिक्सल को यूज़ करके स्ट्राइड को मूव, फिल्टर को मूव करना पड़ता है इनपुट मैट्रिक्स में। तो अब 1 स्ट्राइड मतलब, अब देखो हमने 1 स्ट्राइड मूव कर दिया, तो अब ये हमारा ये इन 3x3 पिक्सल वैल्यूज पे ये फिल्टर कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। देखिए सेकेंड वैल्यू कैसे मिले, तो 0 का जब 0 के साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ, 0 × 0 हुआ तो 0 वैल्यू मिल गई, फिर 0 × 0 हुआ तो 0 वैल्यू हुआ, 1 × 1 से हमें 1 मिल गया, फिर यहाँ पर भी 1 × 1 1 मिलेगा, फिर बाकी वैल्यूज़ हमें 2 0 मिलेंगी, फिर यहाँ पर सारे 0 हैं तो सारी वैल्यूज़ 0 मिलेंगी। हमें सेकेंड वैल्यू क्या मिल गई, 2। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, फिर से ये मूव करेगा 1 स्ट्राइड, क्योंकि हमने स्ट्राइड इक्वल्स टू 1 लिखा है, तो इन 3 वैल्यूज़ का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होके समेशन होगा, तो हमें 3rd वैल्यू मिल जाएगी। फिर अगेन ये 3 मूव हो जाएगा, फिर से 1 वैल्यू मिल जाएगी, इसको मूव करोगे। तो जब हमने फिल्टर को यहाँ पर रखा था तो हमें ये वाली वैल्यू मिली, फिर हमने 1 स्ट्राइड मूव किया तो हमें ये वाली वैल्यू मिली, फिर हमने अगेन 1 स्ट्राइड मूव किया तो हमें ये वाली वैल्यू मिली, फिर हमने 1 स्ट्राइड मूव किया तो हमें ये वाली वैल्यू मिली, फिर जब यहाँ पर फिल्टर आएगा तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने फिल्टर को कितनी बार मूव कर सके थे, हम 1 2 बार मूव किया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो यहाँ पर देखो 5 वैल्यूज़ आई हैं। अब आप इसे यहाँ नहीं मूव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो कोई वैल्यूज़ ही नहीं है, तो यहाँ मूव नहीं होगा। ये 5 वैल्यूज़ जब मिल जाएंगी और यहाँ पर ये आगे शिफ्ट नहीं कर सकते हम फिल्टर को, तो उस केस में हम उसे 1 डाउन ले आएंगे। तो ये 3 वैल्यूज़ जो हैं अब इनके साथ कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और अगेन 1 पिक्सल पोजिशन स्ट्राइड को फिल्टर को मूव करते जाएंगे तो हमें अगेन 5 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, फिर हम अगेन 1 पिक्सल और डाउन आ जाएंगे, फिर से 5 वैल्यूज़ मिलेंगी, फिर से 1 डाउन आ जाएंगे, फिर से 1 5 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, फिर से डाउन आएंगे और फिर से 5 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ऐसे करके आपको 5x5 का आउटपुट मिलेगा, जो होगा एक फीचर मैप। क्या इस फिल्टर को अप्लाई कर जो भी फीचर्स इस फिल्टर को डिटेक्ट करने थे इमेज में से, वो सारे इस फीचर मैप में आ जाएंगे। तो इस टाइप से ये कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म बिटवीन ए फिल्टर साइज पैच ऑफ द इनपुट डेटा एंड द फिल्टर इज ए डॉट प्रोडक्ट विच इज देन समड एंड जनरेट अ सिंगल वैल्यू। तो किसके बिटवीन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है, इनपुट डेटा पर जितना फिल्टर की साइज है उतनी साइज का पैच, उतनी साइज का डेटा जो है उसके और फिल्टर के बीच में
डॉट प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा है और जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको सम करके हमें एक सिंगल वैल्यू मिल रही है फीचर मैप की। यही किया था हमने, हमने जो फिल्टर की साइज़ थी उतनी साइज़ का पैच लिया इनपुट डेटा में से और इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ का डॉट प्रोडक्ट हुआ और फिर उन वैल्यूज़ को हमने सम किया, जो भी वैल्यू आई वो एक सिंगल वैल्यू आएगी, वो सिंगल वैल्यू हो जाएगी हमारे फीचर मैप की। द फिल्टर इज़ अप्लाइड सिस्टमैटिकली टू ईच ओवरलैपिंग पार्ट और फिल्टर सीड पैच ऑफ द इनपुट डेटा लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम। और ये जो फिल्टर है वो सिस्टमैटिकली ओवरलैपिंग पार्ट और फिल्टर सीड पैच ऑफ द इनपुट डेटा पे अप्लाई होता है लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। हम ये कैसे अप्लाई कर रहे थे, पहले हम लेफ़्ट टू राइट गए, एक एक स्ट्राइड से मूव हुए और फिर जब यहाँ पर हमें दिखा कि यहाँ पर सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं तो फिर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे इस फिल्टर पैच को इनपुट डेटा पर। इफ़ द फिल्टर्स इज़ डिज़ाइन टू डिटेक्ट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फीचर्स इन द इनपुट देन इट डिस्कवर्स दैट फीचर एनीवेयर इन द इमेज। तो अगर ये जो फिल्टर हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं इनपुट डेटा पे, यानी कि इमेज पर किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फीचर को डिटेक्ट करने के लिए, तो ये जो फिल्टर है वो सारे इनपुट पर अप्लाई होके क्या करता है, उसको उस फीचर को जो कहीं भी इमेज में अवेलेबल है उसको डिटेक्ट कर लेता है। इसीलिए पूरे इमेज पे लेफ़्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम हम उस फिल्टर को अप्लाई कर रहे हैं कि जिस स्पेसिफिक फीचर को ये फिल्टर एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, आइडेंटिफाई करना चाहता है इमेज से, उसको आइडेंटिफाई करके फीचर मैप में उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर कर सके। द आउटपुट फ्रॉम मल्टीप्लाइंग द फिल्टर्स विद द इनपुट अरे वन टाइम इज़ ए सिंगल वैल्यू। एज द फिल्टर इज अप्लाइड मल्टीपल टाइम्स टू द इनपुट अरे इट प्रोड्यूस ए टू डायमेंशनल अरे ऑफ आउटपुट वैल्यूज कॉल्ड एज फीचर मैप। जब हम फिल्टर को इनपुट अरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंगल टाइम, तो हमें एक सिंगल वैल्यू मिल रही है और क्योंकि फिल्टर जो है वो इनपुट डेटा पे मल्टीपल टाइम्स अप्लाई हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, तो हमें आउटपुट में एक टू डायमेंशनल अरे मिल जाती है जिसे क्या कहा जाता है, फीचर मैप। तो देखो हमें आउटपुट में एक टू डायमेंशनल फीचर मैप मिली थी जिसकी साइज़ क्या थी, 5x5। तो इनपुट इमेज क्या होती है, अरे ऑफ पिक्सल वैल्यूज़ में होती है। जो भी आप इमेज दे रहे हो वो पिक्सल वैल्यूज़ में इनपुट दी जाती है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को। और फिल्टर क्या होता है, सेट ऑफ वेट्स। यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं ये वेट पैरामीटर्स हैं जो हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में देखे थे। तो ये जो फिल्टर है इसमें जो वैल्यूज़ हैं ये सेट ऑफ वेट्स हैं। और फीचर मैप क्या है, फिल्टर इज सिस्टमेटिकली अप्लाई टू द इनपुट डेटा टू क्रिएट ए फीचर मैप। तो जब हम फिल्टर को सिस्टमेटिकली इनपुट डेटा पे अप्लाई करते हैं लेफ़्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, तो उससे जो आउटपुट क्रिएट होता है वो क्या होता है, फीचर मैप। मल्टीपल स्मॉल फिल्टर्स कैन बी डिज़ाइन टू डिटेक्ट मल्टीपल फीचर्स इन द इमेज। तो अगर हमें मल्टीपल फीचर्स को आइडेंटिफाई करना है, डिटेक्ट करना है इमेज में से, तो हमें मल्टीपल स्मॉल फिल्टर्स को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो हर एक फिल्टर जो है एक स्पेसिफिक फीचर को ही आइडेंटिफाई कर सकता है इमेज में से। वैल्यूज़ ऑफ द फिल्टर्स आर वेट्स टू बी लर्न ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ द नेटवर्क सो दैट मोस्ट यूजफुल फीचर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इनपुट इमेज टू क्लासीफाई इट। तो जो वैल्यूज़ होती हैं फिल्टर के अंदर वो क्या होती हैं, वेट्स होती हैं। और क्या वेट्स होने चाहिए फिल्टर के अंदर, ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क लर्न करता है ट्रेनिंग के टाइम से। ट्रेनिंग से क्या होगा, फिल्टर के अंदर वो वेट्स आ जाएंगे जिससे हम यूजफुल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे इनपुट इमेज को क्लासीफाई करने के। CNN लर्न मल्टीपल फीचर फिल्टर्स इन पैरेलल, इट लर्न फ्रॉम 32 to 512 फिल्टर्स इन पैरेलल फॉर ए गिवन इनपुट। हर फिल्टर के लिए हम अलग अलग लर्निंग नहीं प्रोवाइड करते कन्वोल्यूशन नेटवर्क को, जितने भी फिल्टर्स को हमें लर्न करवाना है उन सभी को पैरेलली लर्न करवाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में। तो 32 to 512 फिल्टर्स को एक साथ ट्रेनिंग या लर्निंग प्रोवाइड की जाती है गिवन इनपुट के लिए कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में। कन्वोल्यूशन लेयर्स नॉट ओनली अप्लाई टू इनपुट डेटा रॉ पिक्सल वैल्यूज बट दे कैन ऑल्सो बी अप्लाई टू द आउटपुट ऑफ अदर लेयर्स। तो कन्वोल्यूशनल लेयर जो है वो सिर्फ इनपुट डेटा पे ही अप्लाई नहीं होती, कि आपने इनपुट में इमेज दी सिर्फ उसी पे कन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कन्वोल्यूशन लेयर्स जो होती हैं वो मल्टीपल होती हैं। तो कन्वोल्यूशन पहले इनपुट इमेज पे फर्स्ट कन्वोल्यूशन लेयर ने ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर उसके बाद जो फर्स्ट कन्वोल्यूशन लेयर ने आउटपुट प्रोड्यूस किया उस पर सेकेंड
कन्वोल्यूशनल लेयर अप्लाई होती है और आउटपुट जनरेट करती है। ऐसे ही जो सेकंड ने जनरेट किया आउटपुट, वो एज ए इनपुट जाता है थर्ड कन्वोल्यूशन लेयर पे। तो इसीलिए हमने लिखा है कि कन्वोल्यूशन लेयर्स जो हैं वो सिर्फ इनपुट डेटा पर ही ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करती हैं, ये आउटपुट ऑफ अदर लेयर्स पे भी ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। स्टैकिंग ऑफ कन्वोल्यूशन लेयर्स अलाउ ए हायरार्किकल डिकम्पोजिशन ऑफ द इनपुट। जब हम एक एक करके कन्वोल्यूशन लेयर्स को अप्लाई करते हैं इनपुट इमेज पे, जिसके थ्रू जो होता है जो इनपुट है उसका हायरार्किकल डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, जैसे एक्स इनपुट इमेज थी उस पर फर्स्ट कन्वोल्यूशन लेयर ने एक फीचर मैप जनरेट किया y1, फिर सेकंड कन्वोल्यूशन लेयर ने फीचर मैप जनरेट किया y2, फिर थर्ड कन्वोल्यूशन लेयर ने y3। तो इस टाइप से जो हमारी इमेज है, इनपुट इमेज है, उसका हायरार्किकल डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो रॉ पिक्सल यानी कि इनपुट जो होते हैं हम प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट कन्वोल्यूशन लेयर को, उस पर फिल्टर अप्लाई करती है। फिल्टर अप्लाई करके सपोज उसने जो फर्स्ट फिल्टर है उसको लाइंस को एक्सट्रैक्ट करना था, तो फर्स्ट फिल्टर ने लाइंस जो जो यूज़ हो रही है, वर्टिकल लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस, वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा फर्स्ट फिल्टर। फिर उसके बाद सेकंड फिल्टर क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट मल्टीपल लाइंस टू एक्सप्रेस शेप्स। तो शेप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मल्टीपल लाइंस को एक्सट्रैक्ट करने का काम था सेकेंड फिल्टर का। इस टाइप से मल्टीपल फिल्टर्स जो हैं डिज़ाइन किए जाते हैं इनपुट इमेज के लिए। जैसे अगर हमें एनिमल्स या हाउसेस की इमेजेस को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए अलग फिल्टर हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो हर डिफरेंट टाइप के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर्स जो हैं हमें अप्लाई करने पड़ते हैं इनपुट इमेज पे। जितने आप फिल्टर्स अप्लाई करोगे इनपुट इमेज पे उतने ही फीचर मैप्स जनरेट होते हैं। तो इफ़ 3 फिल्टर्स हैव बीन यूज देन फीचर मैप हैव डेप्थ ऑफ 3। द मोर नंबर ऑफ फिल्टर्स द मोर एक्यूरेट रिजल्ट। जितने ज़्यादा हम फिल्टर्स ज़्यादा रखेंगे उतने ज़्यादा ही हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगी, क्योंकि जितने ज़्यादा फिल्टर्स होंगे उतने ही ज़्यादा फीचर्स जो हैं एक्सट्रैक्ट होंगे इनपुट इमेज में से और उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलेगी। अब मैंने आपको बताया था स्ट्राइड क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ पिक्सल से हमें फिल्टर मैट्रिक्स को इनपुट मैट्रिक्स पे स्लाइड करते जाना है। अगर आपने स्ट्राइड 1 लिखा रखा तो 1 पिक्सल जो है हमारा फिल्टर मूव करेगा इनपुट इमेज पे। अगर स्ट्राइड 2 रखा तो 2 पिक्सल से वो मूव करेगा इनपुट इमेज पे। तो जितना ज़्यादा आप स्ट्राइड रखोगे उतनी स्मॉलर साइज की फीचर मैप जनरेट होगी। लार्जर स्ट्राइड विल प्रोड्यूस स्मॉलर फीचर मैप। तो जितना ज़्यादा स्ट्राइड होगा फीचर मैप की साइज उतनी स्मॉलर होती जाएगी। इनपुट इमेज जो थी 7x7 की थी और जो फिल्टर था वो 3x3 का था, तो हमें आउटपुट जो फीचर मैप मिला उसकी साइज 5x5 थी। किसके लिए? स्ट्राइड 1 के लिए। तो अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि कितने साइज़ की फीचर मैप होगी अगर मैंने स्ट्राइड इक्वल्स टू 1 रखा है, स्ट्राइड इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा मैं आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ हम किसकी बात करें, अगर स्ट्राइड इक्वल्स टू 1 है हम फिल्टर मैट्रिक्स को 1 पिक्सल एट अ टाइम इनपुट इमेज पे मूव कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, तो उस केस में जो फीचर मैप होगा उसकी साइज़ कैसे निकलेगी, n-f+1। यहाँ पर n क्या है, 7 है। ठीक है, साइज ऑफ इनपुट इमेज जो है उसकी जो वैल्यू है 7 वो n है। फिल्टर में 3x3 का फिल्टर है तो यहाँ पर f क्या हो जाएगा, 3। तो हम इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7-3+1=5। तो जो फीचर मैप हमें मिलेगा वो 5x5 का होगा। ठीक है, अगर सपोज़ आप यहाँ पर 8x8 लेते तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, 8 हो जाती, तो 8-3+1, तो 8-3 is 5+1, यहाँ पर 6x6 की हमें फीचर मैप मिल जाता। तो इस फॉर्मूले से जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो कि फीचर मैप की साइज़ क्या होगी। अगर स्ट्राइड 2 होता तो हमें फीचर मैप मिलता 3x3 का। ठीक है, ये आगे हम फॉर्मूला देखेंगे कि कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो स्ट्राइड 1 था तो 5x5 की फीचर मैप मिली, 5x5 का फीचर मैप मिला, जबकि स्ट्राइड 2 किया तो 3x3 का फीचर मैप मिला। तो इसीलिए हमने लिखा था जितना ज़्यादा आप स्ट्राइड की वैल्यू लोगे उतना ही फीचर मैप की साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी।